हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की पकौड़ी। यह हमने दो आलू लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरह पानी से धो लिया। यह हमने 4 से 5 हरी मिर्चें काटी है, ये थोड़ा हरा धनिया। पहले हम आलू घिसेंगे, आलू घिस के हम पकौड़ी बनाएंगे। ये देखिए, आलूओं को हमें इस तरीके से घिसना है। दोनों आलू हम इसी तरीके से घिस लेंगे, ये देखिए। ये दोनों आलू हमने घिस लिए हैं कद्दूकस में। अब हम इनको हल्के हाथ से निचोड़ लेते हैं, ये देखिए। इन्हें इस तरीके से निचोड़ेंगे, सब हम इसी तरीके से निचोड़ लेंगे। सब हमने ये निचोड़ लिए हैं। अब हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे। ये हम कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी सूजी, आधा चम्मच अरारोट, इन सबको हम हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए, आलूओं को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम आलू की पकौड़ी बनानी शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है, तेल डाल के। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पकौड़ी बनानी शुरू करते हैं। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पकौड़ी बनानी शुरू करते हैं। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। सब पकौड़ी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, तो एक बार हम पलट देते हैं। ये देखिए, पकौड़ी हमारी सिक चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सब हम इसी तरीके से सेकेंगे। देखिए, देखने में भी ये कितनी करारी लग रही है। ये सिक चुकी है, अब हम सब इसी तरीके से सेकेंगे। ये भी हम इसी तरीके से डालेंगे। इनको भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, इसको भी पलट देते हैं। इनको भी हम इसी तरीके से पलट देते हैं। देखिए, इनको भी हमने पलट दी है। ये देखिए, पकौड़ी हमारी सिक चुकी है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। सब हमने निकाल ली है, पकौड़ी हमारी सिक चुकी है। ये देखिए, हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसे सॉस के साथ, हरे धनिये की चटनी के साथ भी खा सकते हो। ये रमजान में रोजे से अफतारी में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।